जितना भी मशीन थी वो सारा का सारा हट चुका है, और पिलर की जो पाइलिंग का काम है वो लगभग लगता है कि इधर खत्म। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो है आप देख रहे हैं कि एक और पिलर को जो ढलाइया के जो चार पिलर देखिए यहाँ ढला चुका है, तो इसके अंदर देखिए अंदर भाई जी जो है घुसे हुए हैं और उसके अंदर हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो अपडेट होने वाला फिर से पटना मेट्रो का, तो लगातार आपको जैसा कि पटना मेट्रो का हम अपडेट देते रहते हैं, तो आइए आज का भी ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। और पटना मेट्रो का जो देख रहे हैं कि ये साइड से जो जितना भी मशीन थी वो सारा का सारा हट चुका है, और सारा मशीन जो है आगे की ओर पुशअप हो गया, यानी कि आगे की ओर ही जो 0 माइल उस साइड में चला गया है। और पिलर की जो पाइलिंग का काम है वो लगभग लगता है कि इधर ख़त्म हो चुका है, जिसके कारण दोस्तों क्या है ना कि इधर मशीन हट गई। और हर जगह पे देखिए इस तरह से रड जो है ना आप देखिए निकल चुका है, और काफ़ी खुशी की बात है कि इतना सारा रड एक साथ में यहाँ पे निकला है, और आप देख पा रहे होंगे कि इतने सारे जो है पिलर्स भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अगर पिलर क्लियर होगा तभी उसके आगे का काम प्रोसेस थोड़ा फास्ट होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो है आप देख रहे हैं कि एक और पिलर को जो ढलाइया के जो माहौल है वो क्रिएट हो चुका है, और इसके आगे अगर बात करें तो 3-4 पिलर देखिए यहाँ ढला चुका है, बट इसके पीछे पहले पीछे देखे थे कि नहीं ढलाया था। और आप देखिए ये जो पिलर है सामने जो दिख रहा है वो हाल ही में ढलाया है, वो कल परसों का जो है टाइम है और उसी टाइम वो ढलाया है दोस्तों। और देखिए अभी तक उस पर पानी का जो है पटाने की जो व्यवस्था है वो इस तरह से किया गया है, और उसी के बगल में एक और पिलर के पीछे ढलैया की तैयारी चल रही है। तो लगातार आप देखिए पिलरों की संख्या दिन प्रतिदिन जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और पटना मेट्रो का जो एक्साइटमेंट है चढ़ने का लोगों का और ज़्यादा जो है नज़दीक होते जा रहा है। और यहाँ पे भी देखिए इस तरह से सारे के सारे रड को जो है खड़ी कर दिया गया है, और दूर दूर तक आप देखिए कितने सारे रड दिखने के लिए आपको मिल रहा होगा। तो अच्छा लगता है जब पटना में कुछ अच्छा होता है दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे कि अब जो है उम्मीदें लोग को बढ़ रही है इस पटना मेट्रो से, क्योंकि पिलर जब फाइनल रूप में आने लगी है और इस तरह से जब ढलाने लगी है तो लगता है कि पटना कुछ जल्द ही पटना मेट्रो को जो है पटना मेट्रो का दर्शन भी जो है लोगों को कुछ जल्द ही हो जाएगी, क्योंकि रफ्तार तो है पटना मेट्रो का जो काम का रफ्तार है वो बहुत ही तेज़ है। और जैसा कि जानते हैं कि DMRC इसको जो है लिया है, और दिल्ली का जो है एक ही चीज़ के लिए फेमस है, समय पे काम के लिए। भले ही हमें लग रहा है कि समय पे नहीं होगा, पर हमें उम्मीद है कि दिल्ली की हर साल का रिकॉर्ड इस बार भी जो है बना ही रहेगा, क्योंकि दिल्ली हर बार जो है अपने कामयाबी का जो है झंडा गाड़ते रहा है, और दिल्ली मेट्रो जो है अपने काम को जो है समय पर पूरा करने के लिए किताबों में जो है नामांकन हो चुका है। तो इसीलिए जो है दोस्तों हमें उम्मीद है कि इसका जो काम है समय पर होगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी देखिए काम चल रही है, और यहाँ दूर दूर तक देखिए इस तरह का काम भी आप दोस्तों देख रहे हैं कि चल ही रही है, तो इस तरह से ज़्यादा खुशखबरी है। और देखिए कैसे वर्कर्स जो है काम करते हैं, इसके अंदर देखिए अंदर भाई जी जो है घुसे हुए हैं, और उसके अंदर में जो है जाकर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। एक बंदा ऊपर से 4 बंदा छड़ को अंदर डाल रहा है, और देखिए एक बंदा अंदर में है और वो बंदा जो है काम कर रहा है दोस्तों। तो सोचिए कितना मेहनत से ये लोग जो है मेहनत करते हैं इस पटना मेट्रो को बनाने में, और दूर दूर तक आप देख ही रहे हैं कि कैसा माहौल बना हुआ है, क्रिएट हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग यहीं तक रहेगा, क्योंकि फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।